इन दिनों गुजरात में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सरदार पटेल की ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसके सामने अमेरिका और चीन की प्रतिमाओं का विकट बहुत छोटा है। 182 मीटर ऊंची इस विशाल प्रतिमा के जरिए सरदार पटेल की फौलादी इरादों की झलक देखने को मिलती है, जिनकी वजह से आज भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन इस मूर्ति को पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे, जिसके बाद देश और विदेश के तमाम लोग इस गगनचुंबी मूर्ति का दीदार कर सकेंगे, जिसके लिए लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, जो कि इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। इससे पहले आप हिंदुस्तान की शान की प्रतीक इस प्रतिमा का दीदार करें, उससे पहले जान लें इससे जुड़ी ये बातें। पहली, स्टैचू ऑफ यूनिटी टूरिस्ट स्पॉट। जिस तरह से सरदार पटेल की इस विशाल मूर्ति के लिए दुनिया भर के लोगों का उत्साह दिख रहा है, उसे देखकर लगता है इस भव्य मूर्ति के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने इसके आसपास के परिसर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने पर ध्यान दिया है, जिसके लिए इस प्रतिमा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टेंट सिटी बनाई गई है, जहां आने वाले मेहमान ठहर सकते हैं, साथ ही उन्हें वो तमाम सुख सुविधाएं भी मिलेंगी जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दूसरा, रात में भी चमकेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। दिन के साथ साथ इस स्टैचू की रौनक को रात में भी बरकरार रखने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रतिमा में लेजर लाइटिंग की गई है, जिसके बाद रात में इस स्टैचू के आकर्षण की चमक में और इजाफा हो जाता है, जिसकी पहली झलक सामने भी आ चुकी है। म्यूजियम में मौजूद सरदार पटेल की हरिया। इस प्रतिमा के नीचे एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें लोह पुरुष सरदार पटेल की यादों से जुड़ी हर चीजों को संजो कर रखा गया है, जिससे आप भी रूबरू हो सकते हैं। चौथा, पटेल के फौलादी सीने से दिखेगा अद्भुत नजारा। यहाँ पहुँचने वाले हर सैलानी की चाहत होगी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति पर जाना। इसी चाहत को पूरा करने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर 2 हाई स्पीड लिफ्ट लगाई गई है, जिसके जरिए यहाँ आए टूरिस्ट इस मूर्ति के ऊपर जाकर खास नजारे का आनंद उठा सकते हैं। इस स्टैचू की छाती के पास एक व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जहां से सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी और आसपास की पहाड़ी का विहंगम नजारा देख सकते हैं। पांचवा, 300 रुपए की फीस। इस स्टैचू में बनी व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी, जिसके लिए आपको 300 रुपए देने होंगे। तो ये थी वो बातें जो इस भव्य मूर्ति को खास बनाती है। बस कुछ दिनों का और इंतजार, उसके बाद आप भारत को गौरवान्वित कर रही इस भव्य प्रतिमा का दीदार कर सकेंगे।